मेरे बाल मेरे टी शर्ट में मैच कर रहे हैं। ये मेरे नए डंबल्स आ चुके हैं। बस इनमें यही दिक्कत आती है, जो जॉइंट होता है ना, इसमें से थोड़ा सा लीकेज रहता है। क्या करें, रिटर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वही 7-8 दिन लग जाएंगे। ग्लू गन लेके इसको पूरे को फिल कर दूंगी। ये जो मिट्टी से निकलती रहती है ना, ये नहीं निकलेगी। इनको अपने पास रख लूँगी और जो मेरे रह गए नानी के घर, उनको वहीं छोड़ दूँगी, ताकि वहाँ जब भी हूँ वहाँ कर लिया करूँगी यूज़। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ वृंदा चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग देख रहे हैं मेरे डेली ब्लॉग्स मेरे साथ, जहाँ चल रहा है 30 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी इन वर्कआउट रूटीन का चैलेंज। सो आज है डे 28 ओके। सो कल है शिव का बर्थडे और बर्थडे की तैयारियां करनी है। सो मैंने जल्दी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, छत पर आ गई। और वर्कआउट में आज मैं कर रही हूँ, मेरे डंबल्स आ चुके हैं, सो शोल्डर का वर्कआउट, सो सॉरी सॉरी चेस्ट का वर्कआउट। तो वर्कआउट करने के बाद बर्थडे की तैयारियां करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। शिव की तबीयत लास्ट 2 दिन से थोड़ी सी ढीली चल रही है, फीवर आ रहा है, कफ है, सो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है। आज हम उसके बर्थडे के लिए थोड़ा सा कुछ स्वीट डिश कुछ घर पे ही बनाएंगे। तो पूरा व्लॉग जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वर्कआउट कंप्लीट करके मैं आई नीचे, और नीचे आकर देखा बच्चे उठे हुए हैं, और बच्चों ने आज अपने बचपन की वीडियोस लगा रखी है, जो मैंने एक चैनल शिवराज और स्वास्तिका का अलग से सेपरेट बनाया हुआ था, उस पर उन्होंने बचपन की वीडियोस चला रखी हैं और देख रहे हैं अपना बचपन। हाँ, अभी भी उनका बचपन ही चल रहा है, लेकिन जो पहले वाला बचपन था, ज़्यादा छोटे वाला बचपन, उसकी वीडियोज़ देख रहे हैं। ओह माय किड्स आर मेकिंग, व्हाट आर यू मेकिंग? का क्या कर रहे हो? मैं सूखे सूखे यार आ रही हूँ, ग्रीन क्रीम ओके। और ओके नाइस। नो यू कांट हैव कैन। ओके जल्दी से ब्रेड का पैकेट ढूंढो, जिसको जिसको ब्रेड का पैकेट किचन में मिला वो आएगा फर्स्ट। स्वास्तिका ने देखा पहले था, सच में मुझे लग रहा था ठीक है भाई, स्वास्थ्य का फर्स्ट टाइम है भाई, देखो सीधी सीधी बात है, उसको पहले दिखा था, चीटिंग कर लो। बोला नहीं उसने, लेकिन उसे पहले दिखा था, तो उसे बहुत, चलो देख लिया। ठीक है, तो अगर ओरियो बिस्किट जिसको पहले दिखेंगे, अगर चीटिंग वो भी जिसको दिख गए, ये फर्स्ट आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, चॉकलेट स्प्रेड बोलूंगी कि जो ढूंढेगा फर्स्ट आएगा, तो सीधा जाके शीशे की अलमारी खोलना, उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं बोलने वाली हूँ नेक्स्ट चैलेंज, और उसके लिए एक बार शिव भैया भी आ जाते हैं यहाँ पर, और फिर ढूंढना है। तो जो चॉकलेट चॉकलेट स्प्रेड जो सबसे पहले ढूंढ देगा वही हो आएगा फर्स्ट, तो बताने के बाद भी किचन ना। हाँ भाई, चैलेंज होता है स्टार्ट। चॉकलेट स्प्रेड जो सबसे पहले ढूंढेगा, चॉकलेट स्प्रेड चॉकलेट स्प्रेड, ये शिव भाई आ गए था। नहीं शिव भाई, अब की बार तो शिव भाई आ गए। तेरे देखने से क्या होता है, मुझे बोलना पड़ता है उठाना। कोई बात नहीं ना, कौन सा ओलंपिक का कंपटीशन हो रहा है? डाल दो डाल दो डाल दो, बहुत सारे डाल दो, 10-12 ऐसे। तो पहले डाल लो। देखो मेरे भैया क्या कर रहे हैं, मेरे भैया कच 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 करना चाहते हैं बैलून से। अच्छा, अरे ये क्या बनाया? ये अपने बर्थडे पे देना आपको मिठाई। कच 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 भैया आप कच कच कर रहे हैं। ओके बस अब इसको इसके ऊपर से ऐसे रख ले, ताकि पहले भैया कच कच बोलते रहना, थोड़ा जब तक मेरे मम्मा इसका क्रीम क्रीम अच्छी थी, ऐसे मिक्स मिक्स ऐसे मिक्स मिक्स कर 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 के कर दिया। मेरे मम्मा से बना ये कहाँ से आ गया इसमें? मुझे खिला दो मुझे खिला दो। अच्छा
थोड़ी ज्यादा ही मोटी है, अभी थोड़ा सा और पतला इसको करेंगे। और ये स्वास्तिका देखो गाइस, स्वास्तिका नहीं, ये ऐसे नहीं खोलते। थोड़ा सा हम इसके अंदर सिरप डाल रहे हैं हर्शेस का, ठीक है। इसको ऊपर रख दो, नहीं और भी मदद करनी है, पहले ये तो करो। रख दिया, ब्राउन पार्ट को हम हटा देंगे। ब्राउन पार्ट को मम्मा हटा रही है, देखते जाओ गाइस। अब इसको हम ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे उतार रही है ताकि इसके वाइट वाइट हट ना जाए। ऐसे क्रीम मतलब पतला, और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं हम इसे। कितने हमें कितने ब्रेड पतला करना है हमें? बहुत सारी ब्रेड पतली करनी है, इसलिए अब हम ये ब्रेड पतली हो चुकी है। हाँ देखो, ये ब्रेड पतली हो चुकी है। अब हम इसको इस बॉक्स में रख देंगे। हाँ से लगा देंगे हम इसे ढक्कन ताकि खराब ना हो जाए, सूखे ना। हाँ ओके, देखो ये ये मेरा प्यारा सा बच्चा अपने भैया के बर्थडे की तैयारी कर रहा है। तो फिर मम्मा कितना अच्छा है, मेरे लिए बहुत सारी चीज बनाता है, भैया के लिए भी बहुत सारी चीज बनाता है। अब इधर दिखाओ ना, ये दिख रहा है? दिख रहा है ना, पक्का। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसको। देखो इसके अंदर डाल के कचर मम्मा बना देगी इसको। इसको हाथ दिखने दो, फिर हम इसको ऐसे बंद करके जिप करके और इसके अंदर हम करेंगे इसको रोटी बना देंगे। इसके अंदर बना रही है, क्या बात है दोस्तों। क्योंकि आज मम्मा को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। क्योंकि मम्मा भी सेम की रोटी बना रही है। देखो गाइस, वाह वाह क्या बात है। अब मैंने स्क्वायर शेप की रोटी, अब स्क्वायर शेप की बनने वाली है, अभी तो बनी भी नहीं है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से। अब हमने इसकी किनारी कर दी है कट, किनारी कट कर ली। वाव क्या बढ़िया शेप में आया। और ये बाद में जो स्पेस बचा है उसमें भी हम नहीं दिख रहा। ये जचा दी है यहाँ पर ब्रेड, दूसरी ब्रेड जचा दी है हमने यहाँ पर, इसके ऊपर ब्रेड लगा दी है। अब ब्रेड के बाद हम लगा रहे एक हर्शेस का, मैं लूंगी चॉकलेट स्प्रेड। ये हमने इसको चॉकलेट स्प्रेड से स्प्रेड कर लिया है। अब हम एक और लेयर लगाएंगे व्हाइट क्रीम की। तो हमने सबसे पहले लेयर लगाई ब्लैक ओरियो बिस्किट का, जो हमने डो बनाया था उसकी। फिर हमने एक ब्रेड की लेयर लगाई, फिर हमने चॉकलेट स्प्रेड की लगाई, और फिर हमने जो व्हाइट क्रीम बनाई थी ओरियो बिस्किट की क्रीम से, उसकी एक लेयर लगाई है। और स्वास्तिका ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की है। अब हम इसको करेंगे रोल, दिख रहा है गाइस को भी और मुझको भी। अच्छे से, अच्छे ऐसा लग रहा है हम कोई कोको कोला बना रहे हैं, है ना, है ना, ऐसा लग रहा है। दोनों हाथ से पकड़ दे और इसको रख दो ऊपर वाले फ्रिज में। नहीं हमने रख दिया है इसे। तो जो हमने ओरियो बिस्किट एंड ब्रेड से जो स्विस रोल्स बनाए हैं वो ऑलमोस्ट सारे बनकर रेडी हैं। सो इसमें मैंने दो टाइप के रोल्स बनाए हैं, एक में सबसे ऊपर लेयरिंग है ओरियो बिस्किट की और सेकंड में ब्रेड की लेयरिंग है, और अलग अलग तरीके से मैंने इनको कट किया है और एक बॉक्स के अंदर पैक कर लिया है सबको। सो ये एक छोटी सी ट्रीट हो जाएगी बच्चों के लिए आफ्टर पार्टी। और सारे जो मैंने स्विस रोल्स बनाकर उनको पैक करके बॉक्स में और फ्रिज में रख दिया है। सो ये थे हमारे आज के स्विस रोल। तो बंद कराया ना, बंद कराया ना वहाँ पे सब कुछ।
गार्डन पूरा व्हाइट। बारिश खत्म होते ही मैं जाऊंगा। ये कैसे खुल गया? बोलने की वजह से। बोले 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 अच्छा हाँ। गोले गोले। ओह माय गॉड मम्मा, इसमें तो बारिश हो रही है ओलो की। अगर शीशा क्रैक हो गया तो मैं तो किचन का नहीं गार्डन का ना साफ व्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा है। सो ओलो की बारिश के साथ आज का दिन हुआ ख़त्म और इसी के साथ हम भी करते हैं अपना व्लॉग आज का ख़त्म और कल मिलते हैं नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। और कल है शिवराज का बर्थडे तो व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।